तुम्हें कैसा लग रहा है पहली बार हम किसी शादी में जा रहे हैं एज अ हस्बैंड वाइफ? सो गाइस, जैसे कि मैंने ब्लॉग में दिखाया था, हमारी ट्रेन थी हल्द्वानी से दिल्ली की, और ये रहा दिल्ली का रेलवे स्टेशन शताब्दी एक्सप्रेस, जो वहाँ से 3:20 पे निकलती है, और हम 9 बजे पहुँच चुके थे यहाँ पे दिल्ली में। अभी हम लोग जा रहे हैं मेट्रो लाइन का, और देखो कितने अच्छे हस्बैंड है मेरे, हमेशा मेरा बैग उठाते। अभी तो मैं फ्री जा रही हूँ तो ना पूरे रास्ते में दोनों बैग इन्होंने उठाए थे, हालांकि इतने भारी नहीं थे, बट फिर भी दोनों बैग इन्होंने कैरी किए हुए थे। उसके बाद हम जाएंगे मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन पकड़ेंगे, येलो लाइन से सीधा हम जाएंगे छतरपुर, और हम फाइनली छतरपुर भी पहुंच गए। इसके बाद हमने खाए स्वीट कॉर्न, और स्वीट कॉर्न खाने के बाद हमने लिया दादा के रूम के लिए, दादा के जो फ्लैट है ना वहाँ के लिए रिक्शा, और रिक्शे में हम निकल फाइनली पहुंच चुके हैं दादा के रूम। बुल्ला सिम सिम खुली नहीं थी, कुछ तो बोलो, खुल जाएगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आ चुके हैं अपने इनकी जो होता है उनके रूम में, देव जी के फ्लैट में हैं अभी, और हमने कहा था कि हम यहाँ पे एक शादी भी अटेंड करने वाले हैं, तो फिर यहाँ पे मम्मी पापा भी आए हैं। देखो मैंने मम्मी हेलो पापा चाय मम्मी, अरे मैं आपके लिए चीनी नहीं लाई, चीनी लाऊं? सो गाइस, देखो मम्मी को हम सबसे बोल रहे हैं चलो चलो चलो, बट मम्मी ने बालों में तेल लगाया है, मम्मी ने नहीं मैंने लगाया था, तो मम्मी तो चल नहीं रहे हैं, और मैं और सुन्नू जा रहे हैं सरोजनी अपने हनीमून के लिए शॉपिंग करने। मैं दिल्ली आके इतनी काली, सो अभी हम घूमने भी जा रहे हैं, तो और काली होके आऊंगी। मम्मी चल रहे हो? चलो यार, हमने उबर किया, चलो वरना। गाइस देखो दादा के रूम की क्या हालत हुई है, ये रहे मेरे हैंडसम से पति देखो मैंने इनको, देखो ब्लॉग में आते नहीं थे, अब कैसे आ रहे हैं, और जब हम ट्रिप पे जाएंगे ना तो हम दोनों ब्लॉग में आएंगे साथ में। शक्ल तो दिखाओ, कितने हैंडसम लग रहे हो तुम, तो ज्यादा स्मार्ट कौन है? तू है, तू मम्मी ज्यादा स्मार्ट कौन है हम दोनों में से? तू है मेरे चलना से कौन है? मम्मी लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं पता भी आपको? मेरे को पसंद कर रहे हैं। हाँ तो गाइस, जो जो मम्मी को पसंद करता है ना, मम्मी के लिए भी कमेंट करना प्लीज, अभी मम्मी को यकीन आएगा। हैंडसम जी चले, हैंडसम इधर को तो देखो, ड्रामबाजी मतलब तुम्हें मेरे ब्लॉग में आना पसंद है? नहीं है, मेरे को बता दो, जनता जवाब चाहती है। नहीं क्यों? तुम अपने दांत तो देखो, स्माइल से बोला करो, वरना दांत चार ऐसे लगते हैं, चार चबूतरे रखे होंगे किसी ने। गाइस कब से खड़े हैं, कैब की है हमने कब से, 10 मिनट हो गए हमें, अब से उसे पता ही नहीं चल रहा, उसे लोकेशन ही नहीं मिल रही बेचारे को। ये देखो व्यस्त आदमी, व्यस्त औरत। कैसा लग रहा है फिर तुम्हें? कितना मतलब तू इसे शर्माने की एक्टिंग क्यों करता है? तू सच में शर्माता है? शर्माता तो नहीं है तू, देख मैं किसी जबरू जैसे हो गई। तुम जा रहे हैं बता दो, तू कैमरा तुम पकड़ो, तुम ऊँचे हो जा रहे हो, मैं छोटी हो जा रही हूँ, तो तुम ही बोलो। अभी हम उतर गए हैं आईएनए से, अब हम जा रहे हैं सरोजनी नगर सस्ते कपड़े खरीदने। मैं 5,000 रुपये लाई हूँ, ये मात्र 2,000 रुपये, तो ज्यादा सस्ते कपड़े कौन खरीदेगा आप लोग बता ही सकते हो, 5,000 वाला या 2,000 वाला? मैं सस्ते नहीं खरीदूंगा, मैं कम खरीदूंगा, जितने चाहिए मैं भी तो जितने चाहिए। सरोजनी नगर में लड़कों के नहीं, लड़कियों के मिलते हैं 50 रुपये टॉप जो मैंने पहना है देख ये भी 50 रुपये का है, ये 800 की है, ये 50 रुपये की है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सरोजनी, मैं
जो इनने पहना है सही लग रही। इसका पिंक ट्राई करो। हाँ देखो ये फंस गया पीछे से, इसके निकालो। मेरा चश्मा कहाँ है? इसका एली आ जाएगा, कंपनी अलग आती है। देखो मच बेटर, ठीक है, साइज होते हैं बहुत ज्यादा मत डालना। हाँ ऐसे ही बना देना मिक्सअप। ये लीजिए, थैंक यू। ये देखो दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? दोनों ठीक है। ये वाला या ये वाला बताओ। तो गाइस इतनी शॉपिंग करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं रूम पे, और मैं आपको दिखाऊं क्या क्या लाए। दिखाती हूँ, ये देखो एक ही टॉप, एक दो जब मैं पहनूंगी ना तभी दिखेगी। और ये हमारे बुग्गू के लिए प्यारी सी कैप, एक बुग्गू के लिए प्यारी सी कैप बुग्गू के लिए, और दूसरी गीता मौसी के बेटे के लिए। नोनू मैं आपके लिए कैप लेके आ रही हूँ, ठीक है। और बाकी देखो बीच में पहनने के लिए कपड़े, देखो सेम सेम ड्रेस एक ये, और इनके और अपने लिए सेम सेम ड्रेस लेके आए हमने। इनका कैसा बैंड बजा रखा है। और मैं लाई अपने लिए प्यारा सा पर्स, मेरे को ना मतलब ये बहुत पसंद आ रहा था। शायद फोटो में इतना अच्छा नहीं आ रहा यार ये, बट वैसे बहुत प्यारा लग रहा था। और दिखाऊँ आपको और क्या क्या है ये, एक ड्रेस और अभी चश्मे तो आपने देखे थे, एक ये चश्मा लिया था, एक वे इनके लिए टी शर्ट, ये एक टी शर्ट। बट सी शॉपिंग हम करके आए हैं, और अब ना मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ क्योंकि हमें ना शादी में जाना है। तो गाइज ये रहा देखो मेरा फाइनल लुक, और ये मैंने साड़ी पहनी है। आपने बहुत बार ये साड़ी मेरी देखी भी होगी, और पीछे से बालों में मैंने लगाया है गजरा, और जो मैंने अपने संगीत पर ज्वेलरी पहनी थी ना वो पहनी है, और कान के, और पता है मैंने नेल पेंट अभी तक नहीं लगाई है, और मैं थोड़ा बहुत मेकअप किया है, नेल पेंट नहीं लगाई है। हम सोच रहे हैं अभी उबर में जाएंगे ना उस टाइम पे लगा लेंगे नेल पेंट, थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं यहाँ से। और देखो पूरा रूम कैसा ऐसा लग रहा है, पूरा मेस फैला के, लेकिन हमें जल्दी जाना है ना, मम्मी बोल रही जल्दी जल्दी आओ, तो हम बस निकलने ही वाले हैं यहाँ से जल्दी में ना। मैं कुछ तो भूली हूँ पक्का, मेरे को ऐसा लग रहा है। हम लोग पहुंच चुके थे घर, और अब हम लोग रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं साड़ी में जैसे कि हमने बताया था। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब हम साड़ी में निकल रहे हैं, इसके बाद साड़ी में हम करने वाले ढेर सारा एंजॉय, इसके बाद हम सीधा मिलेंगे साड़ी में। बाय बाय बेबू, इधर को देखो हैंडसम, बाय बोल दो। बाय बाय, हम अभी लिफ्ट में है और हम निकल चुके हैं घर पे, तो मैं अपने आप को पूरा देख नहीं पाई थी, लिफ्ट में थोड़ा देख सकती हूँ। हेलो वाइफ तो बोल दो, माय वाइफ तो बोल दो, जैसे तुम बोलते हो माय वाइफ। कैब आ चुकी है, इसे पकड़ो। ये साड़ी और पिछड़ा सामान ना थोड़ा टफ है, ये रुक रहा हूँ। चलो ओटीपी ओटीपी। मैं कैसा लग रहा है, पहली बार हम किसी शादी में जा रहे हैं एज अ हस्बैंड वाइफ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे पहले मतलब हमारी ये हम दोनों फर्स्ट शादी साथ में अटेंड कर रहे हैं, तो अभी हनीमून का जिस चीज का लग रहा है थोड़ा वेट कर लो, कल महाशिवरात्रि है, परसों निकल रहे हैं अपने हनीमून के लिए हम, तो आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। तब तक तो कोई नहीं, हमारे साथ आप लोग दिल्ली घूमिए, सरोजनी घूमिए। अब देखो कल शिवरात्रि है, पता नहीं हम कहाँ जाते हैं, तो कल हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी घूमिए हमारे साथ। बाय गाइस, हम निकलते हैं शादी में, वहाँ का ना ब्लॉग पूरा दिखाऊंगी आपको, कल बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। बाय बाय।